दोस्तों आज मैं आया हूँ काफी दिनों बाद चांदनी चौक मार्केट में, और आप लोग हमेशा शिकायत करते रहते हैं, राहुल भाई आप सब जगह के व्लॉग दिखाते हो गेमिंग के, लेकिन चांदनी चौक मार्केट को कवर नहीं करते। जबकि चांदनी चौक में बताया जाता है कि गढ़ है, मतलब यहाँ पर ऐसे ऐसे शॉपकीपर बैठे हैं जिनसे और अदर शॉपकीपर्स माल परचेस करते हैं। तो आज मैं आया हूँ गौरव भाई के पास। गौरव भाई हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं चैनल के, तो इन्होंने भी मुझसे बहुत बार कहा कि राहुल भाई आप आओ कभी विजिट करो हमारी शॉप पर। तो गौरव भाई कैसे हो आप? बढ़िया भैया, आप सुनाओ कैसे हो? बस जी मैं तो बहुत अच्छा हूँ। वीडियो वगैरह देखते हो हमारी? नहीं बिल्कुल, लगभग तो सारी देखनी पड़ती है। सारी देखनी पड़ती है, कुछ नया नया देखने को मिलता ही है। चलिए अच्छी बात है। अच्छा गौरव भाई अब ये बताओ, फिलहाल मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा भाई, PS5 के लिए मेरे पास बहुत कमेंट आते हैं दिन रात, लोग कहते हैं भाई इंडिया में रिलीज कब तक होगा? अब आप तो क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर हो कहीं ना कहीं और इतना माल परचेस करते हो सोनी का, प्ले स्टेशन का, PS5 का क्या सीन है? PS5 का सर ऐसा सीन है कि कंपनी ने अभी इस टाइम तो साफ बोल रखा है कि अभी उनका कोई कंफर्मेशन नहीं है कि माल कब तक आएगा, बट हाँ कहीं ना कहीं ये जरूर कह रहे हैं कि वो जनवरी में स्टार्ट कर देंगे प्री ऑर्डर लेना। तो आपको क्या लग रहा है जब PS5 रिलीज होगा, जैसे 50,000 रुपये कंपनी ने ही बोला है ऑफिशियली, तो वो तो उतने ही रेट पर होगा? जी हाँ बिल्कुल, उसकी मैक्सिमम रिटेल प्राइस जो रहेगा वो 50,000 है, बाकी आपको डिस्काउंट मिलेगा जैसे PS4 पे मिलता है। अच्छा, उसका जो प्राइस बनेगा बट डिपेंड करता है कि कितना परसेंट हमें मिलेगा और कितना परसेंट हम आगे कस्टमर को देंगे। अच्छा गौरव भाई मैंने काफी सारे लोगों से भी सुना है आपके बारे में, जैसे आपके पास बहुत सारे शॉपकीपर्स भी मतलब माल परचेस करते हैं और आपका मेन जो है होलसेल का काम है, तो मतलब आपके पास जो PS4 या जो आपके पास काम है मेन क्या है आपका, गेमिंग में आप कैसे डील करते हो? एक्चुअली गेमिंग से रिलेटेड हमारा ऑल ओवर इंडिया है, जिसमें आपका एसेसरीज आ जाती है, स्पेयर पार्ट्स भी आ जाते हैं, कंसोल आ जाते हैं, एवरीथिंग। मतलब आपको अगर कंट्रोलर के रिपेयरिंग के खुद आप रिपेयर कर सकते हो, कई कस्टमर होते हैं कि भैया मेरे को पार्ट्स दे दो मैं खुद कर लूंगा, हम आपको वो भी प्रोवाइड कराते हैं। मतलब जो भी रिपेयर करने वाले लोग हैं वो आपसे माल ले जाते हैं स्पेयर पार्ट्स? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, और जो कंट्रोलर्स वगैरह हैं वो भी आपके पास सब होती है एसेसरीज? बिल्कुल, एसेसरीज में आपको PS4 की कोई भी एसेसरीज चाहिए हो, चाहे उसके कंट्रोलर के पार्ट्स चाहिए हो, एसेसरीज चाहिए हो, केबल चाहिए हो, या पूरी मशीन भी चाहिए हो, वो भी आपको प्रोवाइडेड है। अच्छा, वो भी आप प्रोवाइड करा देते हैं। अच्छा, अभी आप फिलहाल PS2 PS3 की भी डील करते हैं, सिर्फ अभी PS4 पे ही ज्यादा फोकस है? सर हमारा एक्चुअली ऑल ओवर गेमिंग से रिलेटेड सब है, मैं PS2 से लेकर PS5 सब बेच रहा हूँ। अच्छा, खाली कंसोल ही बेचते हो या कोई अदर भी, मतलब जैसे गेमिंग में जैसे PC वगैरह भी बनते हैं उनका भी कुछ है? देखिए PC में तो नहीं करता मैं एक्चुअली, बट कहीं ना कहीं जैसे कि आप PC से रिलेटेड कुछ एक दो प्रोडक्ट है, जैसे कि आप लाइव स्ट्रीमिंग करते हो उसके लिए कार्ड लगता है। हाँ, कैप्चर कार्ड। कैप्चर कार्ड बिल्कुल, वो कार्ड आपको मिल सकता है मेरे पास। अच्छा, तो ऐसे ही रिलेटेड एक दो आइटम है जो सेपरेट मिल जाती है, बट होती गेमिंग से रिलेटेड ही है। होती गेमिंग से रिलेटेड है। तो बाहर अगर लोग जैसे मार्केट से परचेस करते हैं, कहीं की भी मैं मार्केट की बात करूं, लोगों के आसपास लोकल शॉप भी होती है, वहां से कितना फर्क आ जाता है अगर कोई आपसे परचेस करेगा तो? सर देखिए फर्क तो आ ही जाता है, क्योंकि हमारा ही जो मेन मार्केट है ये आपको पता ही है, एशिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है जी। तो होलसेल प्राइस रिटेल प्राइस में फर्क तो होता ही है, बट हम आपको ये भी श्योरिटी देंगे अगर आप होलसेल बायर हो तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा रेट मिलने वाला है। अच्छा, जैसे हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर जो है गेमिंग पार्लर वाले हैं और जिनकी गेमिंग की भी शॉप है, तो वो आपसे मतलब माल परचेस कर सकते हैं, उन्हें मतलब पड़ता आ जाएगा? बिल्कुल सर, श्योर 101% आएगा, 101% आएगा। अगर भी फिलहाल मैं PS5 के इम्पोर्टेड प्राइस की बात करूं, अगर कोई आपसे लेना चाहे तो वो आप कितने में प्रोवाइड कराओगे? देखिए PS5 का क्या है, अभी इस टाइम PS5 का इम्पोर्टेड प्राइस आपको भी पता होगा क्योंकि सारा इम्पोर्टेड आ रहा है जी, अभी इंडियन तो है नहीं। तो इम्पोर्टेड में क्या रहता है कि कई बार स्टॉक की अवेलेबिलिटी के चक्कर में पीछे से ही कई लोग हैं जो ब्लैक करते हैं, तो उस चक्कर से हमें भी महंगा उठाना पड़ता है। समझ गया। बट राउंड ऑफ आप देखा जाए तो आपको जो हमारे पास रेट मिलेगा वो 87 से लेकर 92 के बिटवीन ही मिलेगा। 87 से 92 बिल्कुल, और ये डिफरेंस आपके लिए 5,000 है, बट हमारे लिए मिनिमम है, क्योंकि कई बार हमारे को बाइंग में डायरेक्ट ही 3,000 रुपये महंगा भी पड़ जाता है। अच्छा, ऐसा भी, इसलिए मैं आपको हाँ ये प्राइस एक कोटेशन दे रहा हूँ कि 87 से 92 के बिटवीन। जैसे अभी दो दिन पहले आपने मुझे बताया था कि राहुल भाई 85 का आज का प्राइस है, तो मतलब रोज अप डाउन चलता रहता है अभी भी? हर भैया दूसरे तीसरे दिन, आप भी ये समझ लो आप PS5 तीन दिन पहले, मतलब आपको मैं बहुत अच्छे रेट पे दे सकता था, रेट क्लोज नहीं करूंगा क्योंकि रिटेलर भी है होलसेलर भी है, मैं आपको बहुत अच्छे रेट पे दे सकता था PS4, बट आज के टाइम में वही PS4 2,000 से 2,500 रुपये महंगा है सिर्फ तीन दिन में। मैं वही जानना चाह रहा हूँ क्योंकि जब मैंने इनसे बात की थी PS4 के लिए तो उसका रेट बहुत अलग था और आज का रेट अलग है, कि मतलब पीछे से PS4 की शॉर्टेज क्यों चल रही है? चलो PS5 का तो समझ आता है, PS4 की शॉर्टेज क्यों है? सर 4 की शॉर्टेज इसलिए, मैं आपको बता देता हूँ, आपको भी पता है PS5 आ गया, अब मैन्युफैक्चरिंग सिर्फ PS5 पे ही फोकस है कंपनी की। 4 में क्या है, अब जहाँ जहाँ जो भी स्टॉक अवेलेबल है सिर्फ वही सोल्ड आउट होगा,
जितना भी होगा। तो नहीं, पीछे से आप ये कहना चाहते हो कि कंपनी अब बनाएगी नहीं PS4? बिल्कुल सर, PS4 फिलहाल में अभी कोई भी मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही, जो पीस बने हुए हैं। बेशक कंपनी बंडल चेंज कर सकती है, जैसे अभी स्पाइडरमैन आ रहा है, कल को डबल कंट्रोलर कर दे, जैसे आता है सिंगल कंट्रोलर कर दे, ये हो सकता है, बट 5 की मैन्युफैक्चरिंग लगभग क्लोज है। क्लोज है बिल्कुल। तो दोस्तों आपने समझ लिया, PS4 की भी इस टाइम बहुत ज्यादा शॉर्टेज है, लेकिन PS5 के लिए तो आप थोड़ा सा भी वेट ही कीजिएगा, क्योंकि PS5 जब इंडिया में ऑफिशियली रिलीज होगा तो उस टाइम पर जो भैया आपको बेस्ट प्राइस देंगे, तो मेरे हिसाब से वो रेट आपको कोई भी शॉपकीपर नहीं दे पाएगा, क्योंकि वो जो शॉपकीपर है वो भी भैया से ही माल परचेस करते हैं। क्यों भैया? बिल्कुल बिल्कुल, कई हैं होलसेलर जो बायर करते हैं जी, बट यही है कि आपको मैंने आपको बताया, जैसे कि अगर आप खुद एक होलसेलर हो, जो आप आपकी खुद की शॉप है, और अगर आप बाइंग करना चाहते हो अच्छे प्राइस पे, तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट में, और आपको डेफिनेटली बहुत अच्छा रेट मिलने वाला है, चाहे वो एसेसरीज हो, चाहे वो कंसोल हो, इनफैक्ट रिटेलर को भी अच्छा रेट प्रोवाइड हो सकता है। अच्छा, गेम की सीडी पर आप कितना परसेंट डिस्काउंट दे देते हो मैक्सिमम? सर मैं आपको बता दूं, गेम की सीडी पे हमारा फोकस थोड़ा कम रहता है, क्योंकि गेम की सीडी में क्या रहता है कि हमारे होलसेल में इनकी डिमांड थोड़ी कम रहती है, और आपको ये पता DVDs का जो प्राइस है ना, बहुत जल्दी ड्रॉप हो जाता है। तो इस चक्कर से लेके हम सिर्फ सिलेक्टेड ही टाइटल रखते हैं। जैसे अभी कुछ सिलेक्टेड टाइटल आपके पास जैसे रखे हैं, कुछ उनका आप प्राइस बताना चाहें? जैसे कि आप समझ लीजिए, एक गॉड ऑफ वॉर ले लीजिए, गॉड ऑफ वॉर आपको मिल जाएगी सिर्फ और सिर्फ 850 रुपए की। 850 रुपए? बिल्कुल, ब्रांड न्यू। ब्रांड न्यू? हाँ, ये ब्रांड न्यू का प्राइस है। और अनचार्टेड आपको मिल जाएगी सिर्फ और सिर्फ 900 रुपीज। बिल्कुल। तो दोस्तों मतलब बहुत ही अच्छा प्राइस है। मैं आप लोगों से सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, चांदनी चौक में मेरा आने का पर्पस ही ये था कि भैया का जो मेन फोकस है वो सारी चीज़ों पर है, एसेसरीज वगैरह, जो भी गेमिंग पार्लर वाले हैं खास तौर पर, मैं उनसे कहना चाहूँगा तो आप इनसे ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिएगा, जो भी होलसेल में माल उठाते हैं तो आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी रिटेलर वालों के लिए, यानी कि अगर कोई एक पीस परचेज करना चाह रहा है, जैसे कोई हमारा सब्सक्राइबर है, उसे नया PS4 लेना है, तो भैया सेकंड हैंड भी PS4 प्रोवाइड करा देंगे। भैया सेकंड हैंड PS4 की मैं बात करूं, क्योंकि नए का तो आप बता रहे हो अभी रेट अप डाउन चल रहा है, तो हम यहाँ पर कोई भी गलत कमिटमेंट नहीं करना चाहेंगे, तो सेकंड हैंड PS4 कम से कम मैं कितने का दिला दूँ भैया? देखिए सेकंड हैंड PS4 का मैं आपको एक बेस्ट प्राइस दे सकता हूँ, जैसे कि मैं आपको PS3 से स्टार्ट करता हूँ। PS3 अगर आप मेरे पास रिफर्बिश लेना आते हैं, रिफर्बिश में क्या रहता है कि आपको भी पता है वो यूज जो रहता है बहुत कम रहता है, रेयर यूज रहता है और रिपेयर नहीं रहता, सील पैक रहता है, तो उसका जो प्राइस है 500 GB वो हमारे पास होने वाला है सिर्फ और सिर्फ 11,000 रुपये। बिल्कुल। और PS4 का हमारे पास स्टार्टिंग जो जाती है वो जाती है 13,000 रुपये से, जिसमें फैट मॉडल रहता है, 500 GB रहता है, सील पैक रहता है, रिफर्बिश मॉडल रहता है, बट वो जेल ब्रेक नहीं रहता। अच्छा, मतलब रिपेयरिंग नहीं है लेकिन? बिल्कुल, वो रिपेयर नहीं रहेगा, वो 13,000 रुपये से स्टार्ट होके आपको स्लिम मॉडल तक आप जाओगे तो 16,000 तक आपको स्लिम मॉडल 1TB मिल जाएगा। और 13,000 रुपये में भैया जो एसेसरीज उसे मिलेगी तो क्या क्या मिलेगी वो भी आप बता दो। सर जैसे कि कंप्लीट बॉक्स में जैसे आप नया लेते हो सेम वही एसेसरीज है, एक कंट्रोलर होगा, उसकी वायर्स होंगी और कंसोल होगा। कंसोल का अगर बाई चांस बॉक्स कई बार आता है नहीं आता है, तो बॉक्स होगा तो आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। चलिए तो दोस्तों ये भी एक बहुत अच्छी बात है, भैया का सारा लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इनकी डिटेल, इनका फ़ोन नंबर। भैया आपकी टाइमिंग क्या है शॉप की, उसका भी बता दो, थोड़ा एड्रेस भी बता दो। शॉप नंबर 884, ग्राउंड फ्लोर पे मैं आपको मिलूंगा, गौरव नाम है मेरा जी। और साथ ही साथ मैं आपको मेरे को कॉन्टैक्ट करने के लिए बेसिकली जो फोनिंग के टाइमिंग है, जो फ़ोन लोग करते हैं, जैसे कि कई लोग रात को भी करते हैं, तो मैं आपको फ़ोन का टाइमिंग बताता हूँ। जैसे मंडे टू सैटरडे जो हमारा वर्किंग डेज है, और जो वर्किंग आवर्स है वो रहता है मॉर्निंग 11:30 टू इवनिंग 7 o'clock। ओके मतलब, और व्हाट्सएप पे आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल। अच्छा, अगर कोई ऑल ओवर इंडिया आपसे कुछ परचेस करना चाहे तो क्या वो परचेस कर सकता है? ऑल ओवर इंडिया में आप होम डिलीवरी करा सकते हो? बिल्कुल बिल्कुल, अगर कोई भी ऑल ओवर इंडिया किसी भी कोने से बाइंग करना चाहता है तो आपको वाया कोरियर के थ्रू आपको डिलीवर हो जाएगा, चाहे वो कहीं भी हो। चलिए तो दोस्तों ये एक बहुत अच्छी बात है जो भैया ने बताई है, और आप इनसे कांटेक्ट कर लीजिएगा। इसके साथ साथ मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात और बता दूं कि भैया का खुद का भी अपना एक सेपरेट चैनल है जो भैया ने अभी थोड़े दिन पहले शुरू किया है। तो अभी क्या है कि आपको पता है कि थोड़ा सा हम तो हर बार नहीं आ पाते, हमारा इतने जल्दी चक्कर नहीं लगता है, लेकिन अगर आप अपडेट रहना चाहते हैं कि भैया के क्या नया माल आया है, क्या नए रेट हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको इनके YouTube चैनल पर पता चल जाएंगी, उसका लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहाँ भी चेकआउट कर सकते हैं। बाकी हम तो आते ही रहेंगे, और इनसे जो भी कुछ नया आएगा, जब भी PS5 ऑफिशियल आएगा भैया के पास, तब हम ज़रूर विजिट करेंगे गौरव जी के पास। आप वीडियो को फटाफट से लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और फिर आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।